सो गाइस, जैसा कि इस वीक का स्मैकडाउन होने वाला है समर स्लैम से पहले का सेकंड लास्ट स्मैकडाउन, एंड आज के इस वीडियो में मैं ये नहीं बात करने वाला हमें स्मैकडाउन में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, बल्कि मैं ये बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ स्मैकडाउन में देखने को मिला। बिकॉज इस वीक के स्मैकडाउन को WWE ने ऑलरेडी कर लिया है टेप, बिकॉज वो है अभी अपने जापान टूर में। साथ ही साथ डीन एम्ब्रोस को भी WWE में वापस आने से जुड़ी एक ऐसी अपडेट निकल कर आई है जिसे सुनकर होने वाले हो आप सब काफी ज्यादा हैप्पी। तो गाइस, सबसे पहले हम इस वीक के स्मैकडाउन से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहला मैच जो हमें देखने को मिला वो है एलए नाइट वर्सेस सैंटोस एस्कोबार का मैच। वहीं बात कर ली जाए इस मैच में किसकी जीत हुई, तो गाइस इस मैच में हमें जीत तो देखने को मिली एलए नाइट की, लेकिन मैच के बाद हमें वहां पर लोगन पॉल देखने को मिलते हैं जो कि आकर अटैक करते हैं एलए नाइट पर। तो आप सब कह सकते हो ये एक तरह से आखिरी मीटिंग थी एलए नाइट एंड लोगन पॉल की समर स्लैम से पहले की, एंड अब ये दोनों डायरेक्टली भिड़ने वाले समर स्लैम में अपने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच में। इसके बाद नेक्स्ट हमें टेरेंस क्रॉफर्ड का सेगमेंट देखने को मिला ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर के साथ। तो ये वही है जिन्होंने लास्ट वीक कोडी रोड्स को चेयर दिया था ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक करने के लिए, और इस वीक स्मैकडाउन में इनका सेगमेंट हमें देखने को मिला इन दोनों के साथ। और गाइस, एट द एंड यहां पर इन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को पंच मारकर नॉकआउट भी कर दिया, लेकिन ग्रेसन वॉलर वहां से भाग जाते हैं। सो ये लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि ग्रेसन वॉलर हमें ऑस्टिन थ्योरी को ट्रबल में डालते हुए दिख रहे हैं। वहीं नेक्स्ट हमें नाया जैक्स एंड टिफनी स्टैटन का मैच देखने को मिला बेली एंड मिचिन के साथ। और जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में बेली ने टिफनी स्टैटन का ब्रीफकेस कर दिया था डिस्ट्रॉय, और ऐसा क्यों हुआ वो तो हमें समझ में आ गया क्योंकि टिफनी स्टैटन का हमें कस्टमाइज ब्रीफकेस देखने को मिलने वाला है। बट हां, इस वीक के स्मैकडाउन में वो न्यू ब्रीफकेस हमें देखने को नहीं मिला, बस उन्होंने टेप कर दिया उसे। और वहीं बात कर ली जाए टैग टीम मैच में किसकी जीत हुई, तो गाइस यहां पर हमें जीत देखने को मिली नाया जैक्स एंड टिफनी स्टैटन की। जिसके बाद हमें इन रिंग एक फेस टू फेस सेगमेंट देखने को मिलता है बियांका बेलेयर एंड जेट कारगिल और वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस एल्बा फायर एंड एला डॉन का, जैसा कि बियांका बेलेयर एंड जेट कारगिल को मिलने वाली है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से ये सेगमेंट हमें देखने को मिला। और एट द एंड ये सेगमेंट हमें एंड होते हुए दिखता है ब्रॉल में, जहां पर बियांका बेलेयर एंड जेट कारगिल को हमें मिलते हुए दिखता है अपर हैंड, जिसके बाद फाइनली शुरू होते हुए हमें दिखता है WWE टैग टीम चैंपियनशिप का गॉन्टलेट मैच। और पार्टिसिपेंट्स तो आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हो। वहीं सबसे पहले तो हमें बैरन कॉर्बिन एंड अपोलो क्रूज हराते हुए दिखते हैं लेगाटो डेल फैंटास्मा को, लेकिन उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स की होती है एंट्री और उन्होंने अपोलो क्रूज एंड बैरन कॉर्बिन दी ओसी प्रीटी डेडली सभी को हरा दिया। और लास्ट में फिर हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स के सामने निकल कर आते हुए दिखती है पूरी की पूरी ब्लड लाइन, एंड गाइस ब्लड लाइन के चारों मेंबर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर, जिसके वजह से यहां पर हमें जीत होते हुए दिख गई ब्लड लाइन की। एंड यस, लास्ट वीडियो मैंने आप सबको बताया था कि शायद से जैको फाटू ने रिप्लेस कर दिया टांगा लोहा को, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, टांगा लोहा इस मैच में हमें कंपीट करते हुए दिखे, बट जैको फाटू का इस मैच में हमें मेन रोल देखने को मिला, यानी कि उनकी वजह से हमें ब्लड लाइन की होते हुए दिखी जीत। एंड एट द एंड सारे मेंबर ने विद द वंस की साइन बनाकर शो को कर दिया एंड। और गाइस, शो के ऑफेयर में क्या कुछ हुआ उससे रिलेटेड भी अपडेट निकल कर आ चुकी है, बिकॉज उसके बाद वहां पर हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं जो कि चेयर के साथ आते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लाइन वहां से भाग जाती है एंड फिर वो वहां बैठे लोगों के लिए प्रोमो कट करते हैं। तो गाइस, ये तो थी वो चीजें जो कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिली, या फिर आप कह सकते हो मिलने वाली है। वैसे आप इस वीक के स्मैकडाउन को 10 में से कितना रेट करना चाहोगे वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए डीन एम्ब्रोस के WWE में वापस आने से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो ये चीज तो हम सभी को पता है, डीन एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ 2027 तक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो बीच में कंपनी नहीं छोड़ सकते, वो डेफिनेटली से छोड़ सकते, बस उन्हें कुछ पैसे का लॉस होगा। लेकिन गाइस, अब कुछ हो चुका है ऐसा जिसकी वजह से लग रहा है कि उन्हें कंपनी भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, स्टिल वो WWE के अंदर हमें आते हुए दिख सकते हैं। अब आप सब थोड़े बहुत डेफिनेटली से कंफ्यूज हो गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गाइस, AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान ने AEW एंड WWE के एक साथ काम करने के बारे में बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इसे देखना काफी ज्यादा पसंद करूंगा, ये थोड़ा चैलेंजिंग तो है बट अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बिजनेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, प्रो रेसलिंग वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है एंड फैंस के लिए भी ये होने वाला है काफी ज्यादा ग्रेट। अब आप सभी को पता ही है ट्रिपल एच क्रिएटिव कंट्रोल मिलने के बाद अभी WWE काफी ज्यादा ओपन हो चुकी है, यानी कि वो कई सारे और प्रमोशन के साथ कर रही है काम, जैसे कि TNA WWE के सुपरस्टार हमें बाहर भी जाते हुए दिख रहे दूसरे प्रमोशन पर। बट हाँ, AEW एक ऐसा नाम है जिसे हम सबने हमेशा से WWE के राइवल के रूप में देखा है, बिकॉज टोनी खान लगातार WWE की बुराई करते रहते थे, लेकिन फाइनली टोनी खान ने कुछ कह दिया है ऐसा जिसने भाई हम फैंस की होप काफी ज्यादा बढ़ा दी है, यानी कि AEW का सुपरस्टार हमें WWE में भी जाते हुए दिख सकता है, WWE का सुपरस्टार AEW में भी जा सकते हैं अगर ये कोलैबोरेशन होता है। और आप सभी को पता ही है ये चीज WWE को ज्यादा फायदा करने वाली, क्योंकि ऐसा कर वो डीन एम्ब्रोस को कंपनी में ला सकती है, बिकॉज डीन एम्ब्रोस अगर आ जाते हैं WWE में देन WWE कई सारी बड़ी स्टोरी लाइन फिर से कर सकती है क्रिएट, जैसे कि रोमन रेंस के साथ सेथ रॉलिंस के साथ शील्ड का यूनियन हमें देखने को मिल सकता है एंड ओवरऑल कहा जाए तो WWE को भी होगा बिजनेस में काफी ज्यादा फायदा।
होगा एंड AEW को भी होगा अगर कोई WWE के टैलेंट AEW में जाते हैं। सो लेट्स सी कि क्या इस कोलैबोरेशन के लिए ट्रिपल एच करते हैं एग्री या फिर नहीं। वैसे आप क्या चाहते हो, हमें AEW एंड WWE का कोलैबोरेशन देखने को मिले या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि इस वीक का स्मैकडाउन होने वाला है समर स्लैम से पहले का सेकंड लास्ट स्मैकडाउन एंड आज के इस वीडियो में मैं ये नहीं बात करने वाला हमें स्मैकडाउन में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, बल्कि मैं ये बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ स्मैकडाउन में देखने को मिला। बिकॉज इस वीक के स्मैकडाउन को WWE ने ऑलरेडी कर लिया है टेप, बिकॉज वो है अभी अपने जापान टूर में। साथ ही साथ डीन एम्ब्रोस को भी WWE में वापस आने से जुड़ी एक ऐसी अपडेट निकल कर आई है जिसे सुनकर होने वाले हो आप सब काफी ज्यादा हैप्पी। तो गाइस, सबसे पहले हम इस वीक के स्मैकडाउन से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहला मैच जो हमें देखने को मिला वो है LA Knight वर्सेस सैंटोस एस्कोबार का मैच। वहीं बात कर ली जाए इस मैच में किसकी जीत हुई, तो गाइस इस मैच में हमें जीत तो देखने को मिली LA Knight की, लेकिन मैच के बाद हमें वहां पर लोगन पॉल देखने को मिलते हैं जो कि आकर अटैक करते हैं LA Knight पर। तो आप सब कह सकते हो ये एक तरह से आखिरी मीटिंग थी LA Knight एंड लोगन पॉल की समर स्लैम से पहले की, एंड अब ये दोनों डायरेक्टली भिड़ने वाले समर स्लैम में अपने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच में। इसके बाद नेक्स्ट हमें टेरेंस क्रॉफर्ड का सेगमेंट देखने को मिला ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर के साथ। सो ये वही है जिन्होंने लास्ट वीक कोडी रोड्स को चेयर दिया था ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक करने के लिए, और इस वीक स्मैकडाउन में इनका सेगमेंट हमें देखने को मिला इन दोनों के साथ। और गाइस एट द एंड यहां पर इन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को पंच मारकर नॉकआउट भी कर दिया, लेकिन ग्रेसन वॉलर वहां से भाग जाते हैं। सो ये लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि ग्रेसन वॉलर हमें ऑस्टिन थ्योरी को ट्रबल में डालते हुए दिख रहे हैं। वहीं नेक्स्ट हमें नाया जैक्सन टिफनी स्टैटन का मैच देखने को मिला बेली एंड मिचिन के साथ। और जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में बेली ने टिफनी स्टैटन का ब्रीफकेस कर दिया था डिस्ट्रॉय, और ऐसा क्यों हुआ वो तो हमें समझ में आ गया क्योंकि टिफनी स्टैटन का हमें कस्टमाइज ब्रीफकेस देखने को मिलने वाला है। बट हां, इस वीक के स्मैकडाउन में वो न्यू ब्रीफकेस हमें देखने को नहीं मिला, बस उन्होंने टेप कर दिया उसे। और वहीं बात कर ली जाए इस टैग टीम मैच में किसकी जीत हुई, तो गाइस यहां पर हमें जीत देखने को मिली नाया जैक्स एंड टिफनी स्टैटन की। जिसके बाद हमें इन रिंग एक फेस टू फेस सेगमेंट देखने को मिलता है बियांका बेलर एंड जेट कारगिल और वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस एल्बा फायर एंड एला डॉन का, जैसा कि बियांका बेलर एंड जेट कारगिल को मिलने वाली है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से ये सेगमेंट हमें देखने को मिला। और एट द एंड ये सेगमेंट हमें एंड होते हुए दिखता है ब्रॉल में, जहां पर बियांका बेलर एंड जेट कारगिल को हमें मिलते हुए दिखता है अपर हैंड, जिसके बाद फाइनली शुरू होते हुए हमें दिखता है WWE टैग टीम चैंपियनशिप का गॉन्टलेट मैच। और पार्टिसिपेंट्स तो आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हो। वहीं सबसे पहले तो हमें बैरन कॉर्बिन एंड अपोलो क्रूज हराते हुए दिखते हैं लेगाटो डेल फैंटास्मा को, लेकिन उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स की होती है एंट्री और उन्होंने अपोलो क्रूज एंड बैरन कॉर्बिन दी ओसी प्रीटी डेडली सभी को हरा दिया। और लास्ट में फिर हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स के सामने निकलकर आते हुए दिखती है पूरी की पूरी ब्लड लाइन, एंड गाइस ब्लड लाइन के चारों मेंबर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर, जिसके वजह से यहां पर हमें जीत होते हुए दिख गई ब्लड लाइन की। एंड यस, लास्ट वीडियो मैंने आप सबको बताया था कि शायद से जैकोब फाटू ने रिप्लेस कर दिया टांगा लोहा को, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, टांगा लोहा इस मैच में हमें कंपीट करते हुए दिखे, बट जैकोब फाटू का इस मैच में हमें मेन रोल देखने को मिला, यानी कि उनकी वजह से हमें ब्लड लाइन की होते हुए दिखी जीत। एंड एट द एंड सारे मेंबर ने विद द वंस की साइन बनाकर शो को कर दिया एंड। और गाइस शो के ऑफेयर में क्या कुछ हुआ उससे रिलेटेड भी अपडेट निकल कर आ चुकी है, बिकॉज उसके बाद वहां पर हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं जो कि चेयर के साथ आते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लाइन वहां से भाग जाती है एंड फिर वो वहां बैठे लोगों के लिए प्रोमो कट करते हैं। तो गाइस ये तो थी वो चीजें जो कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिली, या फिर आप कह सकते हो मिलने वाली है। वैसे आप इस वीक के स्मैकडाउन को 10 में से कितना रेट करना चाहोगे वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए डीन एम्ब्रोस के WWE में वापस आने से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो ये चीज तो हम सभी को पता है, डीन एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ 2027 तक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो बीच में कंपनी नहीं छोड़ सकते, वो डेफिनेटली से छोड़ सकते, बस उन्हें कुछ पैसे का लॉस होगा। लेकिन गाइस अब कुछ हो चुका है ऐसा जिसकी वजह से लग रहा है कि उन्हें कंपनी भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, स्टिल वो WWE के अंदर हमें आते हुए दिख सकते हैं। अब आप सब थोड़े बहुत डेफिनेटली से कंफ्यूज हो गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गाइस AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान ने AEW एंड WWE के एक साथ काम करने के बारे में बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इसे देखना काफी ज्यादा पसंद करूंगा, ये थोड़ा चैलेंजिंग तो है बट अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बिजनेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, प्रो रेसलिंग वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है एंड फैंस के लिए भी ये होने वाला है काफी ज्यादा ग्रेट। अब आप सभी को पता ही है HHH क्रिएटिव कंट्रोल मिलने के बाद अभी WWE काफी ज्यादा ओपन हो चुकी है, यानी कि वो कई सारे और प्रमोशन के साथ कर रही है काम, जैसे कि TNA WWE के सुपरस्टार हमें बाहर भी जाते हुए दिख रहे हैं दूसरे प्रमोशंस पर। बट हां, AEW एक ऐसा नाम है जिसे हम सब ने हमेशा से WWE के राइवल के रूप में देखा है, बिकॉज टोनी खान लगातार WWE की बुराई करते रहते थे, लेकिन फाइनली टोनी
अमीर खान ने कुछ कह दिया है ऐसा, जिसने भाई हम फैंस की होप काफी ज्यादा बढ़ा दी है। यानी कि AEW का सुपरस्टार हमें WWE में भी जाते हुए दिख सकता है, WWE का सुपरस्टार AEW में भी जा सकते हैं अगर ये कोलैबोरेशन होता है। और आप सभी को पता है ये चीज WWE को ज्यादा फायदा करने वाली, क्योंकि ऐसा कर वो डीन एम्ब्रोस को कंपनी में ला सकती है। बिकॉज डीन एम्ब्रोस अगर आ जाते हैं WWE में, देन WWE कई सारी बड़ी स्टोरी लाइन फिर से कर सकती है क्रिएट, जैसे कि रोमन रेंस के साथ, सेथ रॉलिंस के साथ शील्ड का रियूनियन हमें देखने को मिल सकता है। एंड ओवरऑल कहा जाए तो WWE को भी होगा बिजनेस में काफी ज्यादा फायदा, एंड AEW को भी होगा अगर कोई WWE के टैलेंट AEW में जाते हैं। सो लेट्स सी कि क्या इस कोलैबोरेशन के लिए HHH करते हैं एग्री या फिर नहीं। वैसे आप क्या चाहते हो, हमें AEW एंड WWE का कोलैबोरेशन देखने को मिले या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।